स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220, 867 एंड 255। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। जब हम कोई डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डिविडेंट जिसको डिवाइड करना है, एक डिवाइजर जिस जो नंबर डिवाइड करता है, एक होता है क्वेशंट और चौथा होता है रिमाइंडर। तो इसके रिलेशन को डिविडेंट, डिवाइजर, क्वेशंट और रिलेशन और रिमाइंडर के रिलेशन को ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहा गया है। इसको हम इक्वल टू बी एक्स प्लस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब हुआ डिविडेंट, बी का मतलब डिवाइजर, एक्स का मतलब क्वेशंट, सॉरी क्यू का मतलब क्वेशंट और आर का मतलब हुआ रिमाइंडर। हम अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमको 135 एंड 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि 135 इज लेस देन 225। तो यहाँ पे हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से और यह एक बार जाएगा तो 135 सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 0 आएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 और 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। अब इसको इस डिवाइड को अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखें जो कि एज कल टू बी एक्स प्लस आर है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले डिविडेंट 225 इजकल टू बी एक्स, बी मतलब क्वेशन जो कि 1 आया है, बी क्यू एक्स नहीं बल्कि क्यू से रिप्रेजेंट करें क्वेशन को, और क्वेश्चन 1 आया है और जो डिवाइजर है वह है 135। तो पहले हम डिवाइजर पे लिखेंगे बी को 135 मल्टीप्लाई बाय क्यू जो कि 1 है प्लस आर और रिमाइंडर हमको मिला है 90। अब 90 हो जाएगा डिवाइजर और डिविडेंट होगा 135, ये भी एक बार डिवाइड करेगा और हमें यहाँ रिमाइंडर मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 4। अब इस डिवीजन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा डिविडेंड ए के प्लेस पे जो कि 135 है, फिर बी की वैल्यू जो डिवाइजर है 90 और फिर उसके बाद आएगा क्वेशंट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर 45 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है वो हो गया डिवाइजर और ये जो यहाँ पे डिवाइजर था अब इसको हम डिविडेंड बनाएंगे तो 45 टू जा 90, अब रिमाइंडर हो गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए डिवाइड करने का स्टेप किया जाता है। अब
इस डिवाइड को, इस डिवीजन को यूक्लिड के एल्गोरिदम पर लिखेंगे तो यहाँ पे ए के प्लेस पे होगा 90 जो कि डिविडेंट है, और डिवाइजर यहाँ पे है 45 बी की वैल्यू, क्वेशंट आया है 2, और रिमाइंडर आया है 0। तो जो आखिरी डिवाइजर होता है वही होता है एससीएफ। एससीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम दूसरे डिवाइड को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 196 गिवन नंबर जो है वह है 196 एंड 38220 38220 196 is less than 38220। अब डिवाइड के स्टेप फॉलो किए जाएंगे। 38220 डिविडेंट है और इसको डिवाइड करना है 196 से, और इसको हम एक बार ले जाएंगे, एक बार टेबल पढ़ने पर 196 आएगा। अब माइनस करना है, 12 में 6 गया तो 6 बचा और यहाँ पे है 7, एक 17 हुआ, 17 में से फिर 9 सब्ट्रैक्ट किए तो आया 8, और 2 में से 1 गया तो बचा 1। अब 2 नीचे आ गया, इसको हम कितनी बार पढ़ेंगे टेबल, 9 बार पढ़ते हैं तो 9 6 54, 5 आया कैरी, 9 9 81, 5 6 86, 8 कैरी आ गया, 9 1 9 8 17। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 8 आया, और उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आएगा, 7 में 7 गया 0, 1 में 7 गया 0। अब 0 आएगा नीचे, अब कितनी बार ये जाएगा ये सोचना है। 5 टाइम देखते हैं, 5 टाइम में हो जाना चाहिए, तो 5 6 30 3 आया, 5 9 45 3 48 4 आया, 5 1 5 एंड 9 0 0 0। अब इस डिवाइड को हम यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू बी एक्स बी क्यू प्लस आर। ए डिविडेंट है 38220, बी डिवाइजर है जिसकी वैल्यू है 196, और क्वेशंट है 195 और रिमाइंडर है 0। तो इस तरह से हम एससीएफ फाइंड करते हैं इन दोनों नंबर का जो कि है 196। तो जो गिवन पेयर ऑफ नंबर है उसका एससीएफ आया 196। तीसरे पेयर में दिया गया है 867।
तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें है 867 एंड 255 तो 255 इज लेस देन 867 तो 867 को डिवाइड करना है हमें 255 से, तो फोर बार तो जाएगा नहीं, तीन बार ले जाते हैं, 3 5 15 16 1 आया 3 2 6 17 सेवन में 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बचा और यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 1 आया। अब इस डिवीजन को यूक्लिड के एल्गोरिदम के अनुसार लिखते हैं जो कि है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a के प्लेस पे आ गया 867 और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, b के प्लेस पे लिखा जाएगा जो डिवाइजर है 255 और मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से, ऐड करेंगे रिमाइंडर जो कि 102 है। अब अगले स्टेप पे आते हैं, अब 255 को डिवाइड करना है तो दो बार जाना है और ये हो जाएगा 204, यहाँ 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ 5 और ये कट गया। अब इस डिवीजन को भी लिख लेते हैं यूक्लिड के एल्गोरिदम के अनुसार, तो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। और अब अगला डिवीजन करते हैं, 102 दो बार जाएगा और ये पूरा कट गया, इसको हम लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। और जो आखिरी डिवाइजर है ये हुआ हमारा SCF, SCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।